तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10 के एनसीआरटी का मैथ है, और एनसीआरटी के मैथ हम यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 का ना ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्या कह रहा है अब जरा हम इसके बारे में बात करते हैं, देन देखेंगे कि इस प्रश्न का हम लोग कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। दो बातें यहाँ पर समझनी है, पहला तो समबाहु त्रिभुज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, देन शीर्ष लंब क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज के अंदर में कुल मिला के 3 भुजाएं हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं, पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। अब कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है, मतलब ए बी भी 2a, बी सी भी 2a और ए सी भी 2a। अब समबाहु त्रिभुज में या त्रिभुज में देखेंगे तो कुल मिला के 3 शीर्ष लंब होते हैं। अब शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए से हमने एक लंब खींचा है, ए डी सामने वाली भुजा बी सी पर, ए डी लंब बी सी है, तो ए डी एक शीर्ष लंब हो गया, फिर इसी तरह से बी ई दूसरा शीर्ष लंब हो गया और सी एफ तीसरा शीर्ष लंब हमारा हो गया। अब समबाहु त्रिभुज में बात यह होता है कि तीनों का तीनों शीर्ष लंब जो है वो बराबर होता है, तो कोई एक शीर्ष लंब की लंबाई यदि हम निकाल देते हैं तो इसी प्रकार से अन्य शीर्ष लंब की लंबाई भी उसके बराबर ही आएगा। ठीक है, क्या क्या हमको प्रश्न में दिया है एक बार आओ हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न में हमारे पास दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी ए के, और ये हमारे पास दिया है 2a। इतनी बातें तो पता है तुमको, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये कितना पता है, 2a पता है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने एक दूसरा पिक्चर यहाँ पर बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या ना बहुत सारा वो बन गया, हमारा एक शीर्ष लंब हो गया, तो हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए हमने यहाँ पर एक दूसरा पिक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए डी बी ई और सी एफ शीर्ष लंब है, क्या है हमारा शीर्ष लंब है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ए डी की लंबाई निकालते हैं, किसकी, ए डी की लंबाई निकालते हैं, ए डी के निकल जाएगा तो बाकी सब हमारा वही होने वाला है। आ जाओ जी, अब क्या देखते हैं, देखना जरा गौर से, यहां पर देखेंगे एडी लंब यहां पर बीसी डालने पर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है एबीसी ये दो भागों में बट रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है हमारा एबीडी, दूसरा त्रिभुज आ रहा है एसीडी। तो अब देखना हमको त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी ने एबीडी और त्रिभुज एसीडी, यानी कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, एडी बराबर एडी होगा, है ना, ये दोनों त्रिभुज में ना, त्रिभुज ए बी डी में भी ए डी है, त्रिभुज ए सी डी में भी ए डी है। दूसरी बात, ए बी बराबर होगा ए सी के, क्योंकि ए बी बराबर ए सी क्यों होगा, क्योंकि ए बी भी 2a है, बी सी ए सी भी 2a है और बी सी भी 2a है, हालांकि हमको जरूरत क्या है हमारा ए बी बराबर ए सी करने की, तो ए बी बराबर हम ए सी यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है जी, देन कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के। जब इस प्रकार से किसी भी दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है और वह बराबर कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, और ये परमेय जो है वो होता है हमारा आर एच एस, कौन सा परमेय, आर एच एस। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखो सर्वांगसम का मतलब क्या है, सर्वांगसम का मतलब है कि हर अंग समान, इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर था ए सी के, ए डी बराबर था ए डी के, इसका मतलब जो ये बी डी आ रहा है वो डी सी के बराबर हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा हमारा बी डी बराबर डी सी, क्या हो जाएगा हमारा बी डी बराबर हो जाएगा डी सी। आ जाओ जी, अब समझो अगर हम इसको लिखे बी सी को, बी सी को लिखे तो क्या लिखेंगे, बी डी प्लस डी सी लिखेंगे, BC को अगर लिखेंगे तो BD प्लस DC लिखेंगे, और BC बराबर अगर लिखे तो BD का BD लिख सकते हैं, BD का BD लिख सकते हैं, और चूंकि BD बराबर DC है इसका मतलब DC के जगह पर अपन BD लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 2BD या BD बराबर यहां पर BC बटे 2 हो जाएगा। अब चूंकि हमारा BC का मान कितना है 2a है फिर से, तो 2a बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर a हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से BD का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है, BD का मान हमारा a निकल के आ रहा है। अब लगभग लगभग प्रश्न के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं, आओ देखते हैं आगे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ अब अगर त्रिभुज एबीडी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो कोण बी का मान, यहाँ कोण देखो कोण डी ए डी बी, ए डी बी बराबर है हमारा 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री है। ए बी है 2a, ए बी बराबर है 2a, देन बी डी बराबर हमारा a है, तो बी डी बराबर हमारा हो जाएगा ये a। इतनी बातें समझ में आ गई, जो हमने निकाला है उसी को लिखा है, बाकी बाहर से हमने कुछ नहीं किया। अगर स्टेप बाय स्टेप देखते चल रहे हो तो तुमको समझने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। तो इस तरह से हमने निकाला ए बी बराबर 2a और बी डी बराबर हमारा निकल गया a। नाउ अब अगर इसी त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि कोण ए डी बी यानी ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, बी डी हमारा आधार या लंब बोलो कुछ भी बोलो, और ए डी हमारा लंब है तो बी डी हम आधार बना देंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है, ये बोला जाता है समकोण त्रिभुज में ए बी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, यानी कि ए डी का वर्ग प्लस में बी डी का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होगा। अब आ जाओ ये क्यों होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, आ जाओ बहुत बढ़िया। अब जरा हम देख लेते हैं यहां से हमको क्या चाहिए ए डी, चूंकि हमको शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमको ए डी चाहिए, तो ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और माइनस का बी डी का स्क्वायर। इस बी डी को अपन उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा बी डी का स्क्वायर। ठीक है, देन अगर सिर्फ ए डी लिखे तो ए डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर या माइनस बी डी का स्क्वायर, या स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ भी रूट चढ़ा दिया हमने, यहाँ भी रूट चढ़ा दिया, क्योंकि ए डी पर क्या है हमारा ए डी पर पावर 2 है, इसका मतलब होगा क्या कि ए डी बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पर जो है ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर रूट के अंदर ही बच जाने वाला। अब मान देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास, तो हमारे पास ना ए बी बराबर है 2a, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग, और माइनस बी डी बराबर है a, ये होगा हमारा a का वर्ग, तो ये हो गया 4a का वर्ग और माइनस a का वर्ग। ठीक है, 4a के वर्ग में से अगर a का वर्ग निकाले, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा दे तो हमारा बच जाएगा 3a स्क्वायर, रूट 3 रूट के अंदर में ही फंस जाएगा, और चूंकि ये a स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल के a हो जाएगा। इस तरह से तुमको क्या समझ में आ रहा है, जो ए डी निकल के आ रहा है हमारा, ए डी निकल के आ रहा है रूट 3a। अब चूंकि त्रिभुज समबाहु है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज समबाहु है अतः सभी शीर्षलंब समान होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में सभी के सभी शीर्षलंब क्या होते हैं, समान होते हैं।